जो जीता वही सिकंदर, एक वोट से हारा या एक लाख वोट से हारा, अटल बिहारी वाजपेयी वजीर आजम थे, प्रधानमंत्री थे, बहुत अच्छा, कोई तो राय नहीं, बहुत बड़े डेमोक्रेट थे। गुजरात के दंगों के बाद उन्होंने अपना बैनल अकवामी दौरा मनसूख कर दिया था और ये कहा था कि मैं क्या शक्ल लेकर दुनिया के सामने, ऐसे में आपकी लड़ाई बड़ी सख्त हो जाती है। आप प्रधान बनिए लेकिन बनिए, आप जिला पंचायत के मेंबर बनिए, हारिए मत और उसके बाद बिकिए मत। शर्म की बात यह है और डूब मरना चाहिए, जैसे कुत्ते को छिछड़े मिलते हैं और गंदे जानवर को टट्टी खाने को मिलती है जब भरोसा तोड़ते हैं। आज हमारा जिला पंचायत का चेयरमैन होता, हमारी टट्टी हुए लोग जेल से टिकटती हुए लोग अगर होगा और नारा नहीं करते, ऐसे चाहिए थे कहते के लिए स्वास्थ्य की झोली बह जाते। चुनिए और कायम रहिए, जीत का आइए। अगर हमारी हार के सिलसिले जारी रहे होते तो यहां कुछ भी नहीं होता। राजा की हार हमारे लिए बहुत बड़ा सबक, यूपी के मकबरे को जाकर देखो, दवाई फाई दिया महल में नचने के लिए और जब उसने ख्वाहिश का इजहार किया तो उसने कहा कि नहीं, हम फन बेचते हैं जिसम नहीं बेचते। मुगलियासम में तो एक झूठी कहानी थी, लेकिन उस झूठी कहानी में भी वक्त के बादशाह ने उसे मारा नहीं था, उसे सुरंग के रास्ते लाहौर निकाल दिया गया। कहते हैं कि अनारकली नाम की कब्र है, वहां कोई दवाई थी और जो रक्कासाएं होती हैं, अब चाहे रकासा हमारे मोहल्ले की हो, हमारे शहर की हो, हमारे सूबे की हो, या बड़ी नाम पर वाली रकासा हो, तो रकासा तो रकासा ही होगी। नाचने वाला गाने वाला नहीं हो सकता और गाने वाला नाचने वाला नहीं हो सकता। और उसे जिंदा दर्शन कर दिया गया। नवाब ने तारीख को दोहराया था ठीक उसी तरह जिस तरह औरंगजेब ने वजूहार पढ़ने की जरूरत है, उससे सुनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसी तरह मैं यहाँ कह नहीं सकता। दाराशिकों को जहर का प्याला बनाया था, सारे भाइयों ने बनाया, उसी तरह रामपुर के नवाब ने अपने बड़े बेटे वलीहद को जहर का प्याला पिलाया। जो लोग अपनी औलाद को जहर का प्याला पिला सकते हैं उनके लिए तुम्हारी औलादों को जहर देना कौन सी मुश्किल बात है? आखिर ये जहर नहीं तो और क्या है? और मैं भी कहता हूं, चाहे मेरी जिंदगी हो या मेरी जिंदगी के बाद, तुम्हारे लिए ये खानदान फिर चुनौती बनेगा और तुम्हें एक बार फिर इनसे लड़ना पड़ेगा, क्योंकि सरकारों से लड़ना आसान है
लेकिन जिनके आगे हमारे रिश्तेदार ने हथियार डाल दिए हो और जिन्हें आठ पीस बात का इंतजार हो कि हमारे दौर वापस आएंगे, उनकी पहुंच भी हो तो उनसे लड़ना